नमस्कार फरीदाबाद, हम वो गाड़ी दिखा देते हैं आपको जिस गाड़ी से हादसा हुआ है। पलवल थाना कैंप के सारे जो लोग थे गाड़ी में, वो हम रिपीट कर दें, एक ही परिवार के सदस्य नहीं थे, सारे दोस्त थे और गुड़गांव जन्मदिन की पार्टी के लिए जा रहे थे, इसी दोस्त के जन्मदिन के लिए जा रहे थे। गाड़ी की हालत हम आपको दिखा दें, अल्टो गाड़ी है ये, पलवल थाना कैंप की। दीपक छाबड़ा, जतिन छाबड़ा नामक युवक की यह गाड़ी थी और गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से, किस बुरी तरह से गाड़ी टकराई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज होगी। देखिए गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, दिखाएंगे पूरा बोनट वगैरह सारा सब बिल्कुल। आप देखिए इतनी भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी की सीट पर आप देख सकते हैं मांस के टुकड़े, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं गाड़ी की सीट पर, कितनी बुरी तरह से भयंकर तरीके से ब्लड्स वगैरह गाड़ी पर पड़े हुए हैं। उनके जो जतिन छाबड़ा हैं, उनके जीजाजी हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास सहगल है। आप फरीदाबाद रहते हैं? हाँ जी, सेक्टर 23 संजय कॉलोनी में। तो ये कब की 1:30 बजे घटना रहा? हाँ, ये रात को 12:30 से 1:20 की घटना है। अभी इनके जो अपना फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके पास एक वीडियो भी आया हुआ 11 सेकंड का, जो मौज मस्ती का था उनको। अच्छा, वो कोई 12:31 के आसपास का वीडियो है, तो उसमें हमने देखा है हम सही मौज मस्ती हो रही है उनकी। उसके बाद ये हादसा हुआ है करीब 12:30 के आसपास। जब मतलब गाड़ी जैसे डिवाइडर पार करके गई है तो डेफिनेटली ड्रिंक तो कर रखी होगी। हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है। अभी तो देखो जो आएगा पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली क्या हुआ उसमें। मौके पर ही ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए थे। हमारे पास तो 2:15 बजे के आसपास कॉल आया था किसी का, तो हम मौके बीके पर पहुंचे। तो ये जतिन करते क्या था आपके साथ? जतिन ये कोर्ट में अपना अपना RC वगैरह की फाइलें वगैरह काम था इनका। हाँ जी, गुड़गांव किस लिए जा रहे थे? गुड़गांव ये अपना कोई पार्टी वार्टी थी बता रहे हैं, किसी मतलब लड़के का कोई बर्थडे भी था। अब ये पता नहीं चल रहा किसका था अभी, और सारे ही लड़के कम एज गए, 30 माइनस ही हैं बिल्कुल। 30 माइनस ही हैं। हाँ जी, कोई 18 का है, कोई 20 का है, कोई 25 है और कोई 26 है, लास्ट 28 तक एज है। तो कहाँ के रहने वाले सारे? ये सारे कैंप कॉलोनी पलवल, सारे वहीं के। आप भी पलवल से हैं? फरीदाबाद से? मैं फरीदाबाद। अच्छा, भाई के साथ ही। फरीदाबाद बड़ा हादसा है, पलवल कैंप थाना के 6 लोग युवा कह सकते हैं, 30 से कम एज के थे, गुड़गांव जा रहे थे किसी यार दोस्त का जन्मदिन की पार्टी मनाने। और अब देख सकते हैं गाड़ी की हालत आपके सामने है, किस बुरी तरीके से गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी की स्पीड क्या होगी, डिवाइडर क्रॉस करके ट्रक से टकराई है। गाड़ी को दिखा दें एक बार, गाड़ी की हालत आपको दिखा दें दोबारा से, ये देखिए। और खून के लोथड़े, मांस के लोथड़े गाड़ी की सीट पर पड़े हुए हैं, बहुत भयानक स्थिति है गाड़ी की। आप इस तरह का एक्सीडेंट शायद ही आपने देखा होगा। ये देखिए गाड़ी का जो फ्रंट डोर है इस पर भी देखिए खून पड़े हुए हैं, ब्लड पड़ा हुआ है, बस ज़्यादा वो ना दिखाएं क्योंकि वीडियो फिर सस्पिशियस हो जाती है। गाड़ी की हालत एक बार दिखा दें, चारों तरफ से गाड़ी दिखा दें, इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ी एक्सीडेंट में आपने कभी नहीं देखी होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी कितनी स्पीड से होगी, कितनी तेज होगी। और गाड़ी में सवार 6 युवा, हम जैसे कह रहे थे कि एक ही परिवार का नहीं है, यार दोस्त थे और जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रहे थे। पलवल थाना कैंप के थे और ये जो हादसा हुआ है मांगर चौकी से थोड़ा सा पहले फरीदाबाद से गुड़गांव रोड की तरफ हुआ है। नंबर दिख रहा है गाड़ी का कहीं? नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। बम्पर पड़े हुए हैं, डंपर तो आप पीछे खड़ा, थोड़ा सा दरी खड़ा है। हाँ थोड़ा सा आगे बस, उनको भैया को हाँ है वो क्रॉप करके दे रहे हैं, आपको ही भेज दें। जतिन को हो गया आपके पास तो? हाँ ना, वैसे दिखा दो ना एक बार, वैसे दिखा दिखा देना एक बार फोटो ऐसे इधर से आओ। युवक की फोटो, तीन छावड़ा जो भाई साहब के साले हैं, गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे,
28 के आसपास एज इनके, 25 मैरिड थे, अनमैरिड अनमैरिड थे, अनमैरिड थे, हाँ जी अनमैरिड थे, अभी शादी नहीं हुई थी। गाड़ी का नंबर मांगर चौकी में फिलहाल मौजूद है, मैं गुड़गांव रोड पर, और फरीदाबाद बड़ी दर्दनाक दुखदायक घटना है। गाड़ी नंबर वगैरह प्लेट है क्या भाई साहब? इधर पड़ी है, बम्पर बम्पर है गाड़ी का। देखिए गाड़ी की हालत हमने दिखाई है आपको, गाड़ी की हालत क्या थी, और गाड़ी के जो नंबर प्लेट है वो दिखा रहे हैं बम्पर की, गाड़ी का यहाँ पड़ा हुआ है, बैटरी पड़ी हुई है गाड़ी की, 430G 6661। तो परिजन आए हुए हैं, सभी जो परिवार के लोग हैं, भाई साहब से बात करेंगे, और मांगर चौकी में सभी मौजूद हैं। अलग अलग परिवार के 6 लोग थे, 6 बजे तक। आप पलवल से हैं? भांजा था, बल्लगढ़ से हैं जी। बल्लगढ़ से? हाँ, पुनीत अग्रवाल। पुनीत अग्रवाल जी जी। तो क्या करते थे वो? ये ड्यूटी करता था, ये कल ये किसी प्रोग्राम में गए थे गुड़गांव। ड्यूटी कहाँ करते थे? पलवल में ड्यूटी करते थे। हाँ जी, गुड़गांव किसी प्रोग्राम में गए थे, वहाँ से आ रहे थे, वापसी में एक्सीडेंट हुआ है। वापसी में हुआ है? वापसी में हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, एक ट्रक द्वारा। तो सारे एक ही मोहल्ले के थे? हाँ, पर लोग एक कैंप में थे सब, ये आसपास एक दो गली आगे पीछे सब यार दोस्त थे सब। ये को बता रहे थे कि जा रहे थे जन्मदिन मनाने पार्टी? नहीं नहीं, वहाँ से बना के आ रहे थे रात को 12 बजे सब। हाँ, वापसी आ रहे थे, फिर ये गए तो पहले थे, लेकिन 12:30 से वापसी आ रहे थे, तो उस दौरान हुआ एक्सीडेंट ये। जिस तरह से वो हम मौके पर बता रहे थे ना पुलिस वाले, इधर से जा रही थी गाड़ी, नहीं जो हमें बताया गया है रात को, ये बताया गया कि वापसी आ रहे थे, गाड़ी वहाँ से आ रही थी रास्ते से, पीछे से ट्रॉले ने टक्कर मारी है उनको, ट्रॉले ने टक्कर मारी है, और ट्रॉला यहीं कोई 1-2 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ट्रॉले ने टक्कर मारी है उस गाड़ी को। वहाँ मौके पर जब पुलिस कर्मी तो कह रहे थे गाड़ी जो है डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड में आ गई थी। यही जब वहाँ पे हम पहुँचे हॉस्पिटल, तो पुलिस ने यही बताया कि पीछे से ट्रॉले ने टक्कर मारी है, और गाड़ी की जो हालत है वो बिल्कुल बैंड हो रही है गाड़ी, बिल्कुल। गाड़ी की हालत आपने देखी किस तरह से भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, और जो गाड़ी में सवार 6 लोग हैं, सभी लोग मौके पर ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी है। सभी युवा थे और 30 से कम उम्र के थे, थाना कैंप पलवल के रहने वाले थे। भाई साहब बता रहे हैं कि गुड़गांव से आ रहे थे, लेकिन पार्टी में जा रहे थे, आ रहे थे, जो भी है बड़ा हादसा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के खबरों साथ, धन्यवाद।